आज चौबीस दिसंबर 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे इस शरीर रूपी मंदिर में एक दिव्य ज्योति प्रकाशित है। मस्तक मणि ईश्वर की डायरेक्ट संतान, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम की निवासी। ज्ञान के सागर, पतित पावन शिव बाबा के साथ कंबाइंड मुझे स्मृति आ गई कि मैं वही कल्प पहले वाली महान आत्मा हूं। कल देवता थी, आज ब्राह्मण हूं और कल फिर से देवता बनने वाली हूं। मैं आत्मा, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने वाली महान आत्मा हूं। संगम युग के टॉप मोस्ट पॉइंट पर खड़े होकर विश्व के ड्रामा को बाप के साथ बैठकर एंजॉय कर रही हूं। मैं हमेशा राजी रहती हूं और सभी को राजी करती हूं। मैं हमेशा स्टेबल मूड वाली बहुत बहुत मीठे बाप की मीठी संतान हूं। हर कदम सुप्रीम सर्जन से राय लेकर श्रीमत पर चलने वाली सेंसिबल बन हर पॉइंट को स्वयं में धारण करने वाली पक्की पक्की सौदागर हूँ। मुझे ये स्पष्ट स्मृति आ गई कि ये मेरा 84वां अंतिम जन्म है। अब घर जाना है और फिर अपने राज्य में आना है। बाबा को दिल से शुक्रिया कि बाबा मुरली के द्वारा हमारी पालना करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बाबा के बातें बुद्धि में स्पष्ट बैठ रही है। मैं कल्प कल्प की महान आत्मा हूं क्योंकि सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। प्रेम का सागर, सुख का सागर, सदगति दाता शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और बाप दादा मुझे दृष्टि देकर कह रहे हैं कि बच्चे, तुम मास्टर नॉलेजफुल हो। सदा योग युक्त होने के कारण तुम्हें सभी का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। तुमने अच्छे मैनर्स धारण करके औरों को भी धारण कराने के निमित्त बने हो। बहुत बहुत मीठे हो तुम, सेंसिबल बच्चे हो। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेकर अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करने वाले हो। तुम्हें मुरली के ऊपर अटेंशन रखकर अच्छी अच्छी पॉइंट्स दूसरों को समझाने के निमित्त हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि और वरदान लेकर
मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ, बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।